गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में आपसे ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन पर आपसे चर्चा की, समसूत्र विभाजन की अवधि पर आपसे बात की थी और आपको बताया कि समसूत्र विभाजन की जो अवधि होती है वो मुख्य रूप से पोषण, तापक्रम और वातावरण पर क्या होती है, वातावरण से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है। भिन्न भिन्न जाति के जो जीव होते हैं उनमें समसूत्र विभाजन की अवधि जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। मैंने आपको बताया कि समसूत्र विभाजन के प्रोफेज अवस्था के अंदर लगभग 6 मिनट का समय लगता है, मेटाफेज अवस्था में 4 मिनट का समय लगता है, एनाफेज अवस्था में 1 से लेकर 4 मिनट का समय लगता है, जबकि टेलोफेज अवस्था के अंदर आपको बताया लगभग 10 से 12 मिनट के लगभग क्या लगता है, समय लगता है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी माइटोसिस डिवीजन पर, कुछ चर्चा की थी और आपको बताया था कि मियोसिस जो डिवीजन है उस पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि अर्धसूत्र विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अर्धसूत्र विभाजन जो होता है उसमें मैंने आपको बताया कि फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1905 में अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस शब्द का क्या किया था, गठन किया था या मियोसिस शब्द नाम दिया था। मियोसिस शब्द किसने दिया था, तो मियोसिस शब्द जो देने वाले वैज्ञानिक का नाम था वो फार्मर और मुरे नाम के क्या थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, देखिए एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बिनी वर्टर। बिनी बाइटर नाम के वैज्ञानिक ने 1990 में यह बताया था कि जब जीवों के अंदर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक नर युग्मक होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं और दूसरा मादा युग्मक होता है जिसे हम अंडाणु या अंडा कहते हैं। तो बिनी बाइटर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्र जो होते हैं उन गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर इंटरफेज अवस्था पाई जाती है और समसूत्री विभाजन के समान ही इनमें इंटरफेज अवस्था G1 S और G2 अवस्था के रूप में पाई जाती है, परंतु G2 अवस्था अर्धसूत्री विभाजन में या तो अनुपस्थित होते हैं या अल्पकालिक होती है। कैसी होती है, अल्पकालिक होती है। इसके बाद हमने बताया कि अर्धसूत्र विभाजन के दौरान, ठीक है, इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक आपको बताया था विषमांगी अर्धसूत्र विभाजन और दूसरा मैंने आपको बताया समांगी अर्धसूत्र विभाजन या समांगी विभाजन और दूसरा हमने बताया था विषमांगी विभाजन। या हमने आपको इस तरीके से नाम दिया था कि अर्धसूत्र विभाजन जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्र विभाजन प्रथम और अर्धसूत्र विभाजन द्वितीय, या उसे हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्र विभाजन प्रथम को ही विषमांगी विभाजन कहते हैं या इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, जबकि समांगी विभाजन को हम क्या है, अर्धसूत्र द्वितीय विभाजन कहते हैं या फिर इसे क्या कहा जाता है, समसूत्र विभाजन के समकक्ष विभाजन भी इसे कहा जाता है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जो विषमांगी विभाजन होता है उसमें एक क्या है, मातृ कोशिका होती है, ये एक मातृ कोशिका होती है, द्विगुणित होती है और इस मातृ कोशिका में जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, अर्धसूत्री विभाजन या विषमांगी प्रथम या न्यूनकारी विभाजन होता है तो 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये दोनों पुत्री कोशिकाएं कैसी हो जाती है, अगुणित हो जाती है, यानी कि मातृ कोशिका द्विगुणित होती है और पुत्री कोशिका दोनों कैसी होती है, अगुणित होती है। इसके पश्चात क्या होता है कि अर्धसूत्र विभाजन के बाद समांगी विभाजन होता है, अर्थात समांगी विभाजन जो होता है वो समसूत्र विभाजन के समान होता है। तो यहाँ पे अर्धसूत्र विभाजन जब होगा इनके अंदर कौन सा, अर्धसूत्र द्वितीय विभाजन होता है, तो इस प्रत्येक से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं और बनती हैं और इस तरीके से आप देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है,
एक दो तीन चार, आप देख रहे हो मात्र कोशिका में दो को द्विगुणित होती है, मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, जबकि पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है, अगुणित होती है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पर। आज जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पर आपसे चर्चा करेंगे। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम होता है वह चार प्रवस्थाओं में बटा होता है। देखिए सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन नंबर 10, क्लास 11th, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन। आपको मैंने बताया कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो चार प्रवस्थाओं में बटा होता है। कितनी प्रवस्थाओं में बटा होता है? चार प्रवस्थाओं में बटा होता है। पहली प्रवस्था है उसका नाम है प्रोफेज फर्स्ट अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट। दूसरी अवस्था को कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को कहा जाता है पूर्व अवस्था प्रथम, दूसरी मेटाफेज प्रथम को मध्यावस्था प्रथम कहा जाता है, तीसरी जो है उसको कहा जाता है एनाफेज फर्स्ट, जिसे कहा जाता है पश्चावस्था, पश्चावस्था प्रथम, और चौथी होती है टीलोफेज जिसको बोलते हैं अंत्यावस्था, अंत्यावस्था फर्स्ट। क्लियर? तो अर्धसूत्री विभाजन चार प्रवस्थाओं में बटा होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। देखिए प्रोफेज जो फर्स्ट होता है ये चार उप प्रवस्थाओं में बटा होता है, सॉरी प्रोफेज जो फर्स्ट होता है वो पांच उप प्रवस्थाओं में क्या होता है, बटा होता है। प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इन फाइव फेजेस, ठीक है। देखिए कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती हैं उन पर हम बात करेंगे, फिर हम आपसे पहले प्रोफेज फर्स्ट पे बात करेंगे। पहला है लैप्टोटेन, लैप्टोटेन। दूसरा होता है जाइगोटेन। तीसरा होता है पैकाइटेन। चौथा होता है डिप्लोटेन और पांचवा होता है डाइकाइनेसिस। तो हम बात कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट प्रवस्था के बारे में। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज जो फर्स्ट प्रवस्था होती है वो एक लंबी प्रवस्था होती है। यह जटिल अभिक्रियाओं की क्या होती है, श्रृंखला होती है, या जटिल क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। कौन सी? प्रोफेज जो फर्स्ट होती है वो जटिल क्रियाओं की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एस प्रवस्था होती है, ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि प्रोफेज जो प्रवस्था होती है यह मुख्य रूप से आपको बता दें पांच उप प्रवस्थाओं में बटी होती है, लैप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस के नाम से इन्हें जाना जाता है। सबसे पहले आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा लैप्टोटेन प्रवस्था। देखिए लैप्टोटेन प्रवस्था आपको बता रहे हैं, ये सबसे पहले लैप्टोटेन प्रवस्था के लिए डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। लैप्टोटेन प्रवस्था के लिए आप डायग्राम देख लीजिएगा। देखिए लैप्टोटेन प्रवस्था के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो केंद्रक का आकार होता है वो बड़ा होता है, या केंद्रक का आयतन क्या होता है, अधिक होता है। इस अवस्था में गुणसूत्र कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं, धागे नुमा संरचना के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। लैप्टोटेन प्रवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जिन पर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोमियर्स क्या है, लगे होते हैं। जिनमें क्या लगे होते हैं, क्रोमोमियर्स क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो ये क्या है, क्रोमोमियर इन पर क्या है, लगे होते हैं।
आपको बता दें लैक्टोटेन प्रवस्था उपप्रवस्था के दौरान जो केंद्रिका होती है उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां से ये आयतन इसका पूर्व अवस्था में ये था तो इसका आयतन ये क्या है, बढ़ गया है। तो इसका आयतन क्या हो जाता है, यहां पर बढ़ जाता है। यहां पर जो तारक काय होता है वो तारक केंद्रों के निर्माण की क्रिया क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ करने का क्या करते हैं, तारक काय जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, तारक काय जो होते हैं वो तारक केंद्रों के निर्माण की क्रिया यहां पर क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, आपको बता दें यहां पर क्या है कि गुणसूत्र पतले लंबे और धागे नुमा संरचना के रूप में लगे हैं। और दूसरा हमने आपको बता दिया केंद्रक का आयतन, ठीक है, क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। और साथ में यहां पर क्या होता है कि इन गुणसूत्रों में आधे किसके होते हैं, नर के होते हैं, आधा कौन से होते हैं, मादा गुणसूत्र होते हैं। इनमें आधा नर गुणसूत्र होते हैं, आधे कौन से होते हैं, मादा गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बता दूं यहां पर गुणसूत्र जो होते हैं वो भिन्न भिन्न संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों को आकार की दृष्टि से, गुणसूत्र जो होते हैं वो आकार की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो आकार की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं समजात गुणसूत्र, एक को हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस क्रोमोसोम, और दूसरा होता है विषमजात गुणसूत्र जिसको हेटरोजीनस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। समजात गुणसूत्र और दूसरा कौन सा है, विषमजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। समजात गुणसूत्र कौन से हैं, देखिए समजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र जो संरचना की दृष्टि से कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र दोनों संरचना की दृष्टि से कैसे हैं, लगभग कैसे हैं, समान है। ऐसे गुणसूत्र जो संरचना की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं, और ऐसे गुणसूत्र जो संरचना की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, उन्हें कौन से गुणसूत्र कहा जाता है, विषमजात या हेटरोजीनस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सम मतलब होता है समान, जात का मतलब जाति के, अर्थात ऐसे गुणसूत्र जो संरचना की दृष्टि से, आकार आकृति की दृष्टि से कैसे हो, समान हो, उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जो आकार और आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विषमजात गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में जो गुणसूत्र होता है वो कैसे होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। कैसे होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। देखिए अब तक जो मैंने आपसे चर्चा की है कि अर्धसूत्र विभाजन चार प्रवस्था में बटा होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होते हैं वो एक लंबी प्रवस्था होती है, ठीक है, यह एक जटिल क्रियाओं की क्या होती है, श्रृंखला होती है जो पांच उप प्रवस्थाओं में बटी होती है, लैक्टोटेन, जाइगोटेन, पैकाइटेन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैक्टोटेन अवस्था का। लैक्टोटेन अवस्था के अंदर हमने आपको बताया कि लैक्टोटेन अवस्था के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो पतले धागे नुमा संरचना के रूप में क्या है, दिखाई देते हैं। इन पर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोमियर्स क्या है, यानी कि पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। इस दौरान लैक्टोटेन अवस्था के दौरान जो केंद्रक का जो आयतन होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे कैसे होते हैं, नर गुणसूत्र होते हैं, और आधे कौन से होते हैं, मादा गुणसूत्र पाए जाते। आपको हम बता दें यहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं वो आकार या आकृति की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक समजात गुणसूत्र होते हैं, दूसरे विषमजात गुणसूत्र होते हैं। समजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र जो आकार और आकृति की दृष्टि से या संरचना की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं, और ऐसे गुणसूत्र जो आकार और आकृति की दृष्टि से या संरचना की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, फिर अलग अलग होता है, उन्हें विषमजात गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमने यहाँ पर जो बात कर ली है वो प्रोफेज प्रवस्था की पहली उप प्रवस्था पर आपसे चर्चा कर ली है। अब हम दूसरे उप प्रवस्था पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दूसरी उप प्रवस्था का नाम है जाइगोटिन अवस्था। जाइगोटिन अवस्था में क्या होता है कि जो संजात जो गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं जाइगोटिन जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। जाइगोटिन कितने शब्दों से मिलकर के बना है,
दो शब्दों से मिलकर के बना है, जाइगोन प्लस तीन। जाइगोन का अर्थ होता है कम नियर, ठीक है ठीक है, सॉरी जाइगोन का अर्थ होता है कम नियरर द होमोलोगस क्रोमोजोम। समजात गुणसूत्रों का क्या आना? पास में आना। समजात गुणसूत्रों का पास में आना ही क्या कहलाता है? जाइगोटिन अवस्था कहलाती है। इस जाइगोटिन अवस्था में क्या है कि समजात गुणसूत्र किस प्रकार से यहां पर क्या आते हैं? पास में आते हैं, ठीक है। ये क्या है? केंद्रिका होते हैं, सॉरी केंद्रक होता है। इसका आकार कैसा हो जाता है? बड़ा होता है यहाँ पर केंद्रक का। और इस अवस्था में आप देखेंगे ये केंद्रिका है, यहां पर क्या है, ये क्या है, समजात गुणसूत्र है। और ये समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के कैसे आ जाते हैं? पास में आ जाते हैं। समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और पास में आकर के जोड़े बनाते हैं। जैसे ये दो समजात गुणसूत्र है, ये दोनों समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में है। और इस डायग्राम को मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, इस तरीके से दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के क्या आते हैं? पास में आते हैं। और पास में आने के बाद एक युग्म बनाते हैं या एक जोड़ा बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मन, या उसे सिनेप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस क्रिया को सिनेप्सिस, सिनेप्सिस या उसे सूत्र युग्मन कहा जाता है। सूत्र युग्मन, ये हिंदी में बोलेंगे हम इसको सूत्र युग्मन, ठीक है। तो आपसे पूछा रहा है कि सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन क्या है, तो आप कहेंगे कि प्रोफेज प्रथम अवस्था की जाइगोटिन अवस्था में समजात गुणसूत्र जो होता है वो एक दूसरे के पास आकर के जोड़े बनाते हैं या युग्म बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहा जाता है, ठीक है। यह युग्मन जो होता है वो किसके कारण होता है? यहां पर एक आकर्षण बल होता है और इस आकर्षण बल के कारण ही दो समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या आते हैं? एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? दो समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? इस तरीके से आकर्षित करते हैं, ठीक है। और आकर्षित करने के पश्चात ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? पास में आ जाते हैं। आपको मैं बता दूं, यह जोड़ा या युग्मन की जो क्रिया होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, आकर्षण बल के कारण होती है। यहां गुणसूत्र का जो प्रत्येक जोड़ा होता है या प्रत्येक जो युग्म होता है, गुणसूत्र का यहां पर ये जोड़ा है या युग्म बन गया है, इसमें एक युग्म होगा वो पैतृक होगा, दूसरा कौन सा होगा? मात्रक होगा। यहां पर ये जो गुणसूत्रों का युग्म बना है, इस युग्म में एक युग्म किसका होता है? पैतृक होता है, और दूसरा कौन सा होता है? मात्रक प्रकार का होता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि जो सेंट्रियोल मैंने आपको लेप्टोटिन अवस्था में बताया था, तो यहां पर सेंट्रियोल जो होते हैं तारक केंद्र होते हैं उनका निर्माण हो जाता है, और तारक केंद्र जो होते हैं वो विपरीत ध्रुव की ओर क्या करते हैं? इस तरीके से गति करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो विपरीत ध्रुव की ओर क्या करना शुरू कर देते हैं? गति करना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। इस दौरान क्या है, ये केंद्रिका होती है। इस केंद्रिका का आकार भी कैसा होता है? पहले इतना सा था, अब केंद्रिका का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियोलस का आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं वो छोटे और कैसे दिखाई देते हैं? मोटे दिखाई देने लगते हैं। जाइगोटिन अवस्था में गुणसूत्र कैसे दिखाई देने लग जाते हैं? छोटे और मोटे दिखाई देने लग जाते हैं। और आपको बता दूं, यहां पर जो गुणसूत्र है जो युग्म में है, एक युग्म ये रहा, दूसरा युग्म, इसलिए इसे क्या कहेंगे? युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। युग्मित गुणसूत्र न कहें तो इसको बाइवैलेंट क्रोमोजोम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? युग्मित गुणसूत्र कह सकते हैं, या युग्मित गुणसूत्र न कहें तो इसे क्या कहा जाता है? बाइवैलेंट क्रोमोजोम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइवैलेंट क्रोमोजोम इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जो युग्मित क्रोमोसोम होता है या बाइवैलेंट जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जाइगोटिन अवस्था के अंदर प्रत्येक बाइवैलेंट गुणसूत्र या युग्मित जो गुणसूत्र होता है
उसके दो गुणसूत्र, एक गुणसूत्र और ये दोनों गुणसूत्र, ये क्या है एक दूसरे के क्रोमेटिड जैसे आपको क्या है दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमेटिड होते हैं, इनके अंदर क्रोमेटिड एक जैसे ही क्या है दिखाई देने लगता है, गुणसूत्र एक जैसा है और आप देखने यहां पर इन दोनों की क्रोमेटिड भी आपको कैसे दिखाई देने लगते हैं, एक जैसे क्रोमेटिड दिखाई देने लगते हैं। देखिए हमने यहां पर बात की है किसके बारे में, जाइगोटिन अवस्था में। जाइगोटिन अवस्था का अर्थ होता है कि समजात गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे के पास में आते हैं, और जब समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में आते हैं तो ये जोड़ा बना लेते हैं, इस प्रकार से जोड़ा बनता है उसे सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहा जाता है। समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में किसके कारण आता है, समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास में एक विशेष आकर्षण बल के कारण क्या है एक दूसरे के पास में आते हैं। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र क्या है एक जोड़ा या एक युग्म का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहा जाता है युग्मित गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है युग्मित गुणसूत्र कहा जाता है। इस समजात गुणसूत्र में आपको मैं बता दूं, समजात गुणसूत्र में एक गुणसूत्र जो होता है वो पैतृक होता है, दूसरा कैसा होता है मात्रक होता है। सेंट्रियोल जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करने लगते हैं गति करना क्या कर देता है शुरू कर देता है। केंद्रिका के आकार में क्या होने लगती है वृद्धि होने लगती है। गुणसूत्र आकार में कैसे दिखाई देते हैं छोटे और कैसे दिखाई देने लगते हैं यहाँ पर मोटे आपको क्या है दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि लैक्टोटिन अवस्था में मैंने बताया कि लैक्टोटिन अवस्था में गुणसूत्र होते हैं वो पतले लंबे धागे नुमा संरचना के रूप में क्या है पाए जाते हैं। इस तरीके से पतले लंबे धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं जिनके ऊपर क्या पाए जाते हैं क्रोमोमीयर्स क्या होते हैं लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं छोटे और मोटे क्या है दिखाई देते हैं। इस अवस्था के अंदर जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं या युग्मित जो गुणसूत्र होते हैं उस युग्मित गुणसूत्र के दो गुणसूत्र जो होते हैं वो एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिड जैसे क्या है दिखाई देते हैं या क्रोमेटिड जैसे हमें लगते हैं। ये हो गया हमारा जाइगोटिन अवस्था। देखिए आज जो हमने आपसे बात की है वो प्रोफेज फर्स्ट की लैक्टोटिन और जाइगोटिन अवस्था पे बात की है, कल हम पैक्राइटिन डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस और उसके बाद मेटाफेज अवस्था पर चर्चा करेंगे। टाइम का अभाव होने के कारण ठीक है हम आपकी ये वीडियो है ठीक है वो आज कम समय के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, इसलिए टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।